श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सुजी से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सुजी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णुलोक गए। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है, आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चून अथवा गेहूं के चून के अभाव में साठी चावल का चून, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सुजी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो, हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई।
तदंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सुखजी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वही विप्र अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। लकड़हारा जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शकरा, घी, दूध और गेहूं का चून सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों को उपभोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सुजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे अब इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया।
उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जयामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नामक नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे, साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सुखजीव बोले, वैश्य मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई
प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु देख दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किया। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया, इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का यह चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। श्री सुजीव बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और सभी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पांचवा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।